Now we are going to explain some chemical species which are used in chemistry like ion, molecule, atom. इन सबको elaborate करते हैं, देखते हैं कि इन सब की representation कैसी है, एक दूसरे से differ कैसे करते हैं. The first chemical species is ion. Ion is an atom or a group of atom having charge. आपको अच्छे से पता है कि जब कोई एटम कोई चार्ज एक्वायर कर ले, whether it is positive or negative, वो क्या कहलाता है? आयन कहलाता है. अब आयन की आपके पास दो टाइप्स होती हैं. नंबर वन इज कैटाइन एंड नंबर टू इज एनायन. व्हाट इज कैटाइन? व्हेन एन एटम एक्वायर पॉजिटिव चार्ज इट इज सेड टू बी कैटाइन, ठीक है. एंड व्हेन एन एटम एक्वायर नेगेटिव चार्ज इट सेड टू बी एनायन. अब इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है बेटा? कैटाइन मतलब एक एटम पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कैसे करेगा? एक एटम पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा बाय लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन. वी हैव एग्जांपल हाइड्रोजन एंड सोडियम. जब हाइड्रोजन का एक एटम था उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब कि ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिया, तो वो क्या बन गया? कैटाइन. दिस इज द कैटाइन ऑफ हाइड्रोजन. सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, वो क्या बन गया? सोडियम आयन, विच इज नोन एज कैटाइन. अब होता क्या है बेटा, ये अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देते हैं. ये आपके पास हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस, और इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. वन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, वन पॉजिटिव प्रोटॉन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है. होगा क्या, जब ये अपना इस ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा देगा तो जाहिर ही बात है इस हाइड्रोजन के ऊपर सिर्फ प्रोटॉन का चार्ज रह जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड एज H पॉजिटिव. सेम केस विद सोडियम. सोडियम में क्या होता है बेटा, आपको अच्छे से पता है सोडियम के एटॉमिक नंबर क्या है? 11, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट शेल में आ जाता है बेटा आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन. सेकेंड शेल में कितने आ जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट शेल थर्ड शेल में कितना आ जाता है? 1 इलेक्ट्रॉन. तो बेटा जब ये अपना ये लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देगा तो ये क्या करेगा? ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा और स्टेबल हो जाएगा, ठीक है. इसीलिए सोडियम के पास ये एबिलिटी होती है कि वो लूज कर दे इलेक्ट्रॉन इजीली और क्या बना दे? कैटाइन बना दे. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एनायन. एनायन बेटा कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ठीक है. तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है. एस क्लोरीन हैज 17 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. एस क्लोरीन हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. इट्स एटॉमिक नंबर इज 17. इसके अगर हम शेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन करें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन. तो बेटा इसके पास एबिलिटी होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे और ऑक्टेट रूल को फॉलो करे. तो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्लोरीन आयन बन जाता है, एनायन. और इस तरह से ये खुद को स्टेबल करवा लेता है और इस तरह से किसी ना किसी के साथ बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है. नाउ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं बेटा? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. एज ऑक्सीजन हैज एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट शेल हैव 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड शेल हैव 6 इलेक्ट्रॉन. तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रैब करता है और खुद का आयन बना लेता है और स्टेबल स्पीशी के तौर पैक करता है, यानी कि स्टेबल स्पीशी के साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल कंपाउंड बना देता है, ठीक है. इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये क्या करे, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे. अब इसमें भी आपने ये चीज देखना है कि जब एक एलिमेंट होता है हमारे पास, उसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं. तो जब वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एंटर करवाएगा तो कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा? नेगेटिव, बिकॉज उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा है. और जब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएगा तो कौन सा चार्ज एक्वायर कर लेगा? पॉजिटिव, बिकॉज उसके अंदर एक प्रोटॉन ज्यादा है, एक नेगेटिव उसमें से रिमूव हो गया है, ठीक है. क्लियर है?